हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं। हाल ही में डेवलीना भट्टाचार्जी ने कमेंट किया था भुला दूंगा सॉन्ग पर, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें गाना तो पसंद आया लेकिन सजनास की केमिस्ट्री पसंद नहीं आई, जिसके बाद डेवलीना को काफ़ी ज़्यादा ट्रॉल किया गया। लेकिन अभी ये ट्रॉलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इस पर डेवलीना का भी गुस्सा निकल रहा है। इसी बीच हाल ही में डेवलीना भट्टाचार्जी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए एक ऑडियो शेयर किया, जिसमें उनके बारे में और उनकी मदर के बारे में काफ़ी गंदी गंदी बातें किसी ने बोली। तो इस पर डेवलीना ने सिद्धार्थ और शहनाज को टैग करते हुए बोला, सिद्धार्थ शहनाज आप दोनों को ये सुनना चाहिए, ये सिडनाज हों या शहनाजियन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो कोई भी है तो मैं उसको छोड़ने वाली तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और अगर इन सब के पीछे शहनाज है और अगर उसने ये सब कुछ किया है, क्योंकि ऐसा वो पहले हिमांशी के साथ कर चुकी है, तो भगवान ही उसे बचाए, गॉड ब्लेस हर। और डेवलीना ने एक और ट्वीट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, शहनाज मुझे बता दो कि क्या तुम इन सब के पीछे हो और तुमने इस लड़की को ये ऑडियो बनाने के लिए बोला हो? आर यू एनकरेजिंग देम टू अब्यूज माई मॉम एंड माई फैमिली? क्या तुम इसे एनकरेज कर रही हो मेरी फैमिली और मेरी मम्मी को अब्यूज़ करने में? मैं एक्शन लूँ इससे पहले मैं इन सब के बारे में जानना चाहती हूँ, इस ऑडियो को ध्यान से सुनो। तो वहीं एक और ट्वीट में उन्होंने एक फ़ैन को जवाब देते हुए कहा, आप तो अब गए, ट्रस्ट कीजिए मुझे, तेरी सारी फैनगिरी अगर मैंने नहीं निकाल दी तो यू जस्ट वेट एंड वॉच, अगर हिम्मत है तो अपना रियल नेम एंड एड्रेस बता, फिर कौन किसको कहां लाता है वो मैं तुझे बताऊंगी। खैर, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही हैं डेवलीना, जहां उन्होंने शहनाज को तो धमकी दे ही दी है, तो वहीं उन्होंने सिद्धार्थ को भी टैग करके कहा है कि ये देखो क्या हो रहा है। आपका रिएक्शन इन सब पर हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय ज़रूर बताइए, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रही हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं।